हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग द केमिस्ट्री चैप्टर इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय नेजल और ऑल रेस्पिरेटरी रूट्स फॉर लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट्स। सो फाइव गैसेस हैं जो यूज होती हैं एज इनहेलेंट। फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड्स। इनहेलेशंस क्या है? दीज आर द प्रेपरेशंस सो यूज्ड एंड डिजाइन दैट इज कैरीड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ पेशेंट्स। जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, वेपर्स जो है अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर एक्ट करते हैं और गिव रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स। सो द ड्रग्स और सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल्स रेस्पिरेटरी रूट्स फॉर लोकल इफेक्ट्स, दीज आर नोन एज इनहेलेशंस। सो मेन ड्रग्स यूज होती है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? दैट इज़ द केमिकल फॉर्मूला इज O2। दैट इज़ अ डायटोमिक गैस विच इज़ मेनली यूजफुल फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक फंक्शंस। सो दैट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। दैट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ। सो वन हाफ ऑफ द सोलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ दैट अकर्स इन फ्री स्टेट कॉन्स्टिट्यूट 20.9% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटमोसफियर आल्सो। सो 88.81% बाय वेट ऑफ वाटर इज ऑक्सीजन एंड 50% सॉलिड क्रस्ट। सो ऑक्सीजन मे बी ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड एयर। इट विल कंटेन स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इनर्ट गैस दैट इज आर्गन एंड सम ट्रेसिस ऑफ नाइट्रोजन। आल्सो ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और विद स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस गैस, स्लाइटली हैवियर देन एयर। सो इस डेंसिटी इज 1.10532। सो कैन बी लिक्विफाइड वेन कोल्ड बिलो 118.82 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर विच विल जस्ट लिक्विफाई द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इट्स रैपिडली डिजॉल्व इन सम मोल्टन मेटल्स लाइक इन सिल्वर, दैट इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सो मोर स्ट्रॉन्ग बाय लिक्विड देन सॉलिड फॉर्म। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच मूव इन टू ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइक इन बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। सो ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट द कम्बशंस मोर एनर्जेटिकली देन एयर्स। सो नो स्मोकिंग एंड ओपन फ्यूम्स should nearby due to precaution should be taken against ignitions by spark from electric appliances, clothing and beddings. Next is storage. Storage under compression in a metal cylinders of the type conforming to an appropriate safety regulations also. Cylinder should be stored in a specific storage room, means ki ऑक्सीजन सिलेंडर को ऐसी जगह स्टोर करना है हमने जो कूल हो और फ्री फ्रॉम मटेरियल ऑफ इनफ्लेमेबल नेचर्स। दैट द पेंट शुड बी वाइट, सिलेंडर शुड बी पेंट वाइट और रिमाइंडर इज पेंटेड ब्लैक। सो सिलेंडर कैरीज ए लेबल स्टार्टिंग द नेम ऑफ गैस, इट्स एडिशंस एंड इट्स सिंबल O2। नेक्स्ट द यूजेस। ऑक्सीजन क्या है? दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शंस। In normal course, it's inhaled from the ears, so use as a inhalant for supporting respiration during anesthesia or pulmonary complication in treatment of hypoxia, anoxia, asthma, in shock, in poisoning. So due to carbon dioxide means ki poisoning ho rakhi hai apne overdose ki, uske liye hum use karenge due to monoxide. Poisoning due to carbon monoxide, due to barbiturate or other depressant drug, edema, congestive heart failure or infection like pneumonia, wound, burn or either medical emergencies like impaired respiration, usme hum use karenge oxygen. So oxygen use in different concentration in different situation means ki use of oxygen depend karta hai ki situation कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। लाइक प्री मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड 5-7% हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेटरी सेंटर। हीलियम हैज़
लेस डेंसिटी, सो ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर इज़ ईजियर टू ब्रीथ, सो प्रेफर फॉर पेशेंट जिनमें पल्मोनरी डैमेज है उसमें हम ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज़ करेंगे। शॉर्ट पीरियड के लिए हम 70-100% ऑक्सीजन डिवाइस द नॉर्मल प्रेशर में भी यूज, सो दैट कैन बी यूज। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन बॉडी दैट कैन क्लासिफाइड टू 4 डिवीजन, फर्स्ट वन इज एनोरेक्सिक, सेकेंड इज एनीमिक, थर्ड इज स्टेगनेंट और फोर्थ इज स्टॉटिक। एनोरेक्सिक मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू इज इनसफिशेंट, सो द ब्लड रीचेज विद इट्स ऑक्सीजन एट इट्स लो टेंशन, सो दिस इज मे बी ड्यू टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड हेयर्स, मीन्स कि हमें बाहर से प्रॉपर जो कंसंट्रेशन चाहिए वो नहीं मिल रही, और लोअर ऑक्सीजन टेंशन इन प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में है, उसमें ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, और ड्यू टू डिस्टर्ब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गया एनोरेक्सिक कंडीशंस, मींस कि टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कम है और बॉडी की जो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है उसकी कम है वो होगी एनोरेक्सिक कंडीशन। एनीमिक, एनीमिक मींस ऑक्सीजन टेंशन इज नॉर्मल बट द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज इनसफिशेंट टू सप्लाई इनफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, मीन्स कि ये अनीमिया कंडीशन आ गया। अनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो इनसफिशेंट है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारी बॉडी की वो रिड्यूस हो जाती है, और टू सप्लाई इनफ ऑक्सीजन मीन्स कि जो टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई है वो रिड्यूस हो रही है ड्यू टू लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं एनीमिक, और ये होता है मेनली ड्यू टू डिक्रीज और डिफेक्टिव RBCs जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से। नेक्स्ट है हमारी स्टेगनेंट टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, ये होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से। हिस्टोटॉक्सिक मीन्स ड्यू टू टिश्यू ऑक्सीडेशन आल्सो, सो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल ट्यूब्स, बाय मास्क और इन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, रेंज कंसंट्रेशन इसकी 30-80 मेनली। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एट ए कंसंट्रेशन 70%, मीन्स कॉन्टीन्यूसली हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो इट विल कॉज ब्लाइंडनेस इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। समटाइम इट मे बी नेसेसरी टू एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स, सो 1.5-3 एटमोस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर्स। ऑक्सीजन आल्सो यूजफुल इन एयर एम्बोलिज्म मीन्स एयर ब्लबल्स इन द ब्लड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसके लिए यूज होती है गैस, गैंग्रीन, क्रश इंजरीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, पेरिफेरल सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, also useful in malignant disease also. Next is carbon dioxide. Carbon dioxide is CO2 that is along with water. A final product is formed due to combustion. So metabolism of all the aerobic organisms in burning flames. So that can react with water and form a bicarbonates. That is the important index of body fluid pH. So decreased removal of carbon dioxide means कि अगर carbon dioxide level body का कम होता है तो इसकी वजह से हो सकता है respiratory acidosis. An increased removal can cause respiratory means कि decreased carbon dioxide level cause respiratory acidosis और increased होता है तो उससे हो गया respiratory alkalosis means hyperventilations, abnormal prolonged और deep breathing. मीन्स की हार्ट रेट बढ़ेगा और डीप ब्रीथ। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोनेट्स लाइक पर्टिकुलरली कैल्शियम और मैग्नीशियम बाय ट्रीटेड विद एन एसिड्स दैट इज मेनली ऑब्टेन बाय द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और कम्बस्टन ऑफ फ्यूल्स दैट इज आल्सो ए कलरलेस ऑडरलेस गैस। वन वॉल्यूम डिजॉल्व इन वन वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन लिक्विफाइड बाय प्रेशर एट ए टेम्परेचर ऑफ 31°C.
नेक्स्ट इट्स प्रॉपर्टीज. लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो ए कलरलेस लिक्विड इमिसिबल विद वाटर बट डिजॉल्व इन अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स आल्सो दैट इज वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेशन मोर स्टेबल देन कार्बन डाइऑक्साइड. So storage that should be stored in metal cylinder but temperature not more than 31 degrees Celsius. There should be like oxygen था हमारा painted white, ये है painted grey और symbol इसमें आएगा CO2, उसमें था only O2. Uses क्या है इसका? Carbon dioxide when you given orally or as a solution form as a bicarbonate that promotes the absorption of liquid by mucous membrane. Like aerated waters rapidly relieve the thrust and also the action of alcohol can cause diuresis. So a gastric secretion ko badhata hai. Effervescing zinc water are also used for masking the unpleasant taste of aperients. It's also regulate acid base balance of blood and tissues. Also as a stimulant of respiratory center. So increase in proportion of carbon dioxide in air will cause deeper the respirations. Also effective means ये ineffective कब होगी? जब respiratory center depressed है, drug की toxicity है, कोई any other disorder है, injury, उस case में ये ineffective है. So intermittent inhalation of carbon dioxide has been useful to increase breathing. Next dry ice जो frozen form है कार्बन डाइऑक्साइड की आल्सो यूजफुल है स्किन कंडीशंस के लिए लाइक इन एक्नीज एंजियोमास मींस ट्यूमर मेड अप ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स इन कॉर्न एक्जिमास 5-7% मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन आल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए मॉर्फिन और अदर डिप्रेसेंट पॉइजनिंग के लिए. सो आल्सो इम्प्रूव रेस्पिरेशन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में भी रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करता है. इन ड्रॉइंग पर्सन आल्सो टू एक्सोलेट एक्सक्रीशन ऑफ इनहलेशन एनेस्थेटिक्स बाय द लंग्स सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रोंकाइटिस और वॉमिटिंग. आल्सो मेनली यूज फॉर डिटॉक्सिफाइंग हीरोइन जो कि नारकोटिक ड्रग है उसकी एडिक्शन उसमें यूज होता है उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए. नेक्स्ट आ गई हमारी गैस नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड N2O that is also known as laughing gas that is mainly used as anesthetic so mainly obtained by heating ammonium nitrate so that is a colorless tasteless gas 1 liter of N2 at 0 degree celsius or at a pressure of 760 mercury so weight about 1.97 gram. next its storage. It store under compression metal cylinder. So the cylinder is painted blue or carry the name of the gas. So shoulder of cylinder is labeled with name of gas N2O. Next its uses. Is the oldest or safest general anesthetic drug mainly used as an anesthetic for surgery. So that is weak anesthetic but strong analgesic property, non-irritant है. When given alone, so that produce anesthesia for at least 45 seconds के लिए anesthesia produce करता है और mainly recovery up to 1-2 minutes. Complete anesthesia is produced about in 1 minute with the symptoms of anoxia. Anoxia means short snoring respiration, dilated pupil और राइज बीपी ये सारे सिम्टम्स होते हैं नाइट्रस से नाइट्रस ऑक्साइड से. दैट कैन आल्सो यूज इन डेंटल और ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस आल्सो एनाल्जेसिक मींस हमने डेंटल कोई भी डेंटल सर्जरी है जब माइल्ड सर्जरी है उसमें यूज़ करेंगे हम. सो नाइट्रस ऑक्साइड विद ऑक्सीजन आल्सो यूज फॉर एनाल्जेसिक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स आल्सो टू रैपिड रिलीफ ए पेन फ्रॉम मायोकार्ड इन्फेक्शन. Also in conjunction with local anesthetic or muscle relaxant उसमें भी combination में use करेंगे हम. But the nitrous oxide has been abused because of delirium associated with the laughing gas.
इसको हम मोर क्वांटिटी में यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट कॉज डिलीरियम, मीन्स कि जो डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसमें डिलीरियम कंडीशन आ जाती है, जब पेशेंट जो है कोई भी काम करके भूल जाएगा उस कंडीशन को बोलेंगे हम डिलीरियम। दैट हैज़ बीन द रिपोर्ट ऑफ डेथ बाय सफोकेशन, मीन्स कि पेशेंट की जो डेथ भी हो सकती है बाय सफोकेशन और ब्रेन डैमेज फ्रॉम हाइपोक्सिया। नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मीन्स टू यूज टू रिवाइव एन अनकॉन्शियस पर्सन, मीन्स कि अनकॉन्शियसनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। सो द एजेंट कॉज एज ए रिफ्लेक्स एक्शन इन पेशेंट, सो टेकिंग ए सडन डीप ब्रीथ। सो यूजली इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दैट इज़ द एरोमेटिक स्पीड ऑफ अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सो एरोमेटिक स्पीड ऑफ अमोनिया दैट हैज़ टू इन्ग्रीडियंट्स, इसमें बेसिकली आ जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्ग अमोनियम सोल्यूशंस, एसिड और बेस एटसेट्रा। फर्स्ट वन इज द अमोनियम कार्बोनेट दैट इज NH4HCO3। अमोनियम कार्बोनेट क्या है, हमारा जो हार्ड वाइट ट्रांसल्यूसेंट मास विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड शार्प अमोनिया अमोनिकल टेस्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर इट लूज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, मीन्स कि जब एयर को ये एक्सपोज करते हैं हम इस एयर में तो ये लूज करती है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कन्वर्ट इनटू ए पोरस ओपेक्यू एंड फ्राइबल पोरस लम्ब्स। दैट कैन कन्वर्ट टू नॉर्मल कार्बोनेट, जब हम इसे डिल्यूट अमोनियम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये नॉर्मल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रीली सॉल्युबल होती है वाटर में और सॉल्यूशन इज एल्कलाइन टू लिटमस। नेक्स्ट इट्स यूजेस, अमोनियम कार्बोनेट क्या है, दैट इज यूज एज ए रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट बाय इनहेलेशन ऑफ वेपर्स। सो स्पिरिट्स कंटेन अबाउट टू 2% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ फ्री अमोनिया और 3% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनियम कार्बोनेट्स। सो डिफरेंट प्रेपरेशन है जिसमें होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेमन ऑयल, नटमेग ऑयल, अल्कोहल, प्योरीफाइड वाटर एट्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट विच सुप्रेस द कफ मेनली एक्ट ऑन द कफ सेंटर और एक्सपेल आउट द म्यूकस सेक्रीशंस। इमेटिक्स फर्स्ट वन इज कफ, पहले हम डिस्कस करेंगे कि कफ कफ क्या है, प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लक्स टू क्लियर द एयर वे, दैट इज इन्फेक्शन और केमिकल इरिटेंट और रिटेन्ड बॉडी सेक्रेशन और प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल दैट ब्लॉक द एयर वे एंड दैट कैन कॉज कफ बाय स्टिमुलेटिंग द नर्व एंडिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो इरिटेटिव और अनप्रोडक्टिव कफ ये होगी हमारी ड्राई कफ जो होती है बाय कोल्ड बाय इनहेलेशन ऑफ इरिटेटिंग डस्ट की वजह से कोई केमिकल और गैसेस दैट कैन आल्सो प्रोड्यूस कफ। और प्रोडक्टिव कफ मींस स्प्यूटम और एक्सुडेट प्रोड्यूसिंग कफ एसोसिएटेड विद अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सो इसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट एक्ट ऑन कफ सेंटर दैट हेल्प इन रिमूवल और एक्सपंशन of the secretions from the trachea, bronchi or lungs that are mainly used in the treatment of cough. They act on the respiratory tract in two ways, means do tarah ke mechanism hai jisse expectorant act karenge. First one is decreasing the viscosity of bronchial secretions and their eliminations like local irritant are expelled, मीन्स कि जो ब्रोंकल सेक्रीशन है उसकी विस्कोसिटी है उसको कम कर देंगे जिससे वो बाहर इजीली बाहर निकल जाए। और दूसरा है इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लूइड है उसकी अमाउंट को इंक्रीज करके और डिमल्सेंट एक्शन इज एग्जर्टेड ऑन ड्राई म्यूकोसल लाइन और रिलीफ फ्रॉम कफ। फिर इसमें डिफरेंट आ जाएंगे लाइक अमोनियम साल्ट, आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, एंटीमनी, पोटाशियम टार्ट्रेट्स, गुआफेनिसिन, डेक्सामॉर्फिन,
guaiacol, thiamidine. These all are the drugs which are used as a expectorant. Next है emetics. Emetics जो है which induced vomiting. That act mainly onto the CTZ. CTZ क्या है हमारा chemoreceptor trigger zone. So emetics क्या करेंगे chemoreceptor trigger zone के ऊपर act करके vomiting को induce करेंगे either into the area postrium of medulla oblongata by irritant action on gastrointestinal tract. So inorganic compound like copper sulfate, sodium chloride, zinc sulfate, antimony, potassium tartrate that are act as a emetics. So emetics क्या है हमारे जो vomiting को induce करने के लिए like in poisoning conditions that may be used, that should not use in condition. ये हम use नहीं करेंगे जब CNS depression है और in shock और unconscious patient है like coma condition है, severe heart disease, in pregnancy or in TB. Emetics should not be used because they contraindicated also in debilitated patient or in poisoning caused by petroleum product. Means जो petroleum product से poisoning हुई है उस case में हम emetics use नहीं करेंगे. In low dose that can use in cough preparation, also stimulate flow of respiratory tract also, like opiate addicting or as a antitussive जो cough के लिए use होते हैं cough suppressant उसमें use करेंगे. First drug is ammonium chloride that is NH4Cl. NH3 plus HCl means ammonium chloride को जब hydrochloric acid से treat किया तब बनता है ammonium chlorides. That is a colorless crystals with white crystalline powder, hygroscopic moisture को absorb करता है, odorless और cooling saline, taste freely soluble in water और storage होती है ये tightly closed container में because hygroscopic in natures. Incompatible है with alkalis, carbonates of alkaline earths, silver salt etc. Next its uses. Uses हो गया जो ऐसे expectorant means कि cough के लिए dose होगी 300 mg to 1 gram. Next होता है diuretic. Diuretics क्या करते हैं flow of urine को बढ़ाते हैं. So that can also use for its diuretic action to because it helps the excretion of overdoses of basic drug. बेसिक ड्रग की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है ये लाइक एम्फिटामिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग इंक्रीज इट्स एक्सक्रीशन. नेक्स्ट इट्स यूजेज एज ए सिस्टेमिक एसिडिफायर आल्सो इन प्रोड्यूसिंग इट्स आल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग एसिडोसिस. सो गिवन बाय माउथ डोज 2 ग्राम रैपिडली अब्जॉर्ब थ्रू द गैस्ट्रिक ट्रैक्ट कन्वर्ट इन टू यूरिया इन द लीवर्स. used orally as a tablet or as a injections mainly used in expectorant or cough mixture. Next is potassium iodide that is KI. ये होता है इसकी preparation होती है when treated with iodine with hot aqueous solution of potassium hydroxide. So yellowish solution evaporate due to dryness and the residue heated with charcoal and to reduce the iodine. So protect प्रोडक्ट जो बना उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विद वाटर और फिल्टर. फिल्ट्रेशन इज इवेपोरेटेड टू क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट इट्स प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या है ये कलरलेस क्रिस्टल है वाइट ग्रेनुलर पाउडर स्वीट इन टेस्ट इनसॉल्युबल है. सॉल्युबल है वाटर में बट इनसॉल्युबल है इन अल्कोहल और स्लाइटली सॉल्युबल इन एसिडिक. स्टोर होता है ये वेल क्लोज कंटेनर में. इनकम्पेटिबल है विद एसिड और एल्कलीज विद हैवी मेटल्स. यूजेज है ये एज ए मेडिक टू प्रोड्यूस वॉमिटिंग व्हेन गिवन बाय माउथ. ऑनसेट एक्शन है मींस क्विक एक्शन प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट है इट्स आल्सो गिवन बाय इंट्रावीनस मींस कि इसकी आईवी डोज यूज़ करते हैं हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला अजर दैट इज स्किस्टोसोमाइसिस और शुड नॉट गिवन बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि इसकी आईएम डोज नहीं यूज़ करते बिकॉज इट कॉज पेन. नेक्स्ट आ गया हमारा एंटीडॉट. एंटीडॉट क्या है हमारा एंटीडॉट जो पॉइजन को
बॉडी से रिमूव करने के लिए यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं हम एंटीडॉट। फर्स्ट है पॉइजन। पॉइजन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, आइदर एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ बाय इनहेलेशन थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन विच प्रोड्यूस्ड इल हेल्थ और डेथ ऑफ दैट पेशेंट्स। सो इसको रिमूव करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए पॉइजन्स को, उसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटीडॉट। एक्यूट पॉइजनिंग आइदर में भी एक्सीडेंटल ऑक्यूपेशनल सुसाइडर और क्रिमिनल्स हो सकती है। पॉइजनिंग वेदर एक्सीडेंटल दैट रिक्वायर इमीडिएट सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट टू एडवर्ट एनी थ्रेट टू लाइफ। सो डिपेंड करता है पेशेंट किस कंडीशन में है, उसकी क्या मेंटल कंडीशन है। नेक्स्ट, द सक्सेस इन मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग दैट डिपेंड अपॉन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनजेस्टेड पॉइजन दैट आर नोन एज एंटीडॉट। एंटीडॉट कैन डिफरेंट टाइप्स हैं। फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट, फिजियोलॉजिकल विच कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स बाय प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट लाइक सोडियम नाइट्रेट विच कन्वर्ट हीमोग्लोबिन। मतलब मीनिंग क्या है इसका, जो ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लाइक हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू मिथाहीमोग्लोबिन इन ऑर्डर टू बाइट दैट साइनाइड। मींस सोडियम नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन को मिथाहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है इन साइनाइड पॉइजनिंग। सो रिमूव दैट पॉइजन। केमिकल एंटीडॉट्स जो केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन को चेंज करेंगे लाइक सोडियम थायोसल्फेट दैट कन्वर्ट सिस्टमेटिकली टॉक्सिक साइनाइड टू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड। मीन्स क्या हो गया इसका फंक्शन, सोडियम थायोसल्फेट क्या है, जो टॉक्सिक फॉर्म है साइनाइड की उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो दैट कैन आल्सो यूज्ड एज ए चिल्टिंग एजेंट फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग। ये एज ए चिलेड जो केमिकल एंटीडॉट क्या है, एज ए चिल्टिंग एजेंट हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ होंगे। नेक्स्ट, मैकेनिकल एंटीडॉट्स जो प्रिवेंट द अब्जॉर्प्शन, मीन्स कि बॉडी में पॉइजन को, पॉइजन की जो अब्जॉर्प्शन है उसको प्रिवेंट करेंगे दैट आर मैकेनिकल एंटीडॉट्स लाइक एक्टिवेटेड चारकोल्स that can absorb the poisoning across the intestinal wall. Next, copper sulfate, magnesium sulfate, sodium monohydrogen phosphate also precipitate the toxic material. Next हमारा आ गया cyanide poisoning. Cyanide poisoning that is highly toxic, so it requires special attentions. इसमें होता है इनहलेशन हाइड्रोसाइनिक एसिड लाइक फ्यूमिगेट्स और फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ सॉल्युबल इनऑर्गेनिक साइनाइड सॉल्ट लाइक साइनामाइड साइनोजन क्लोराइड्स। साइनस सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉइजिया ड्रोजीनेस अटैच कन्वल्जन्स कोमा हाइपोटेंशन और डेथ। डेथ में अकर विद इन मिनट्स ऑफ इनहलेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड वाइल इन द ऑरल इंजेक्शन इट कॉज डेथ इन सेवरल आवर्स। साइनाइड में क्या होता है, साइनाइडाइंस कंबाइन करते हैं विद फेरिकाइंस ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। मीन्स साइनाइड पॉइजनिंग में हो गया साइनाइड कंबाइन विद फेरिकाइन दैट इज F3 ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसको प्रिवेंट करते हैं जिससे क्या हो गया, रेस्पिरेशन स्टॉप हो गई, ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन रिएक्शंस और इट में कॉज डेथ। सोडियम नाइट्रेट, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रग सोडियम नाइट्रेट सोडियम थायोसल्फेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। सो इंजेक्टेबल फॉर्म इज गिवन ड्यू टू एमरजेंसी। इंजेक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज गिवन, इट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन ऑफ द हीमोग्लोबिन टू फेरिक फॉर्म। मीन सोडियम नाइट्रेट इंजेक्शन यूज़ किया हमने जो कि ऑक्सीडाइज करेगा फेरस हीमोग्लोबिन के फेरस फॉर्म को फेरिक फॉर्म में। सो मिथा हीमोग्लोबिन इस फॉर्म जो कंबाइन करेगा सीरम साइनाइड्स के साथ साइनोमिथो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड। सो इट प्रोटेक्ट द सेंशियल एंजाइम, साइनाइड आयन से सेंशियल एंजाइम है बॉडी के उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आल्सो प्रोड्यूस सेम एक्शंस that can react with the cyanidine and free owing to slow dissociation of cyanomethohemoglobin to ye cyanomethohemoglobin ko non toxic thiocyanate ions mein convert karega by enzyme rhodiolase. So usual dose iski hai sodium nitrate ki that is 10 to 15 ml.
इन आईवी। सोडियम थायोसल्फेट की है 1 ग्राम मींस 500 mg to 2 ग्राम इन ए 5 to 10% सॉल्यूशन इंट्रावीनसली।